एक बार ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, जो लोग आ गए वो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक ना? लाइक भी कर दीजिए एक बार। तो हम लोग जो लास्ट आप लोग आपको जो छोड़ा था, आप लोगों को बोला था मैंने कि आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, जो बुक आपको है रिकमेंड किया हुआ है उसको देखिए पढ़िए, जहाँ डाउट हो वहाँ पूछ सकते हैं आप। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है? हमने आप अभी तक जो डिस्कस किया है उसमें क्या क्या है, आइडमपोटेंट है, नीलपोटेंट है और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। आप उसके बारे में जितना चाहे उतना डिस्कस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, पर अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है? लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते ही हैं, नहीं? तो हमने आपको एग्जाम्पल तो दिया ही था, ये लास्ट हमने छोड़ा था कि भैया ऑर्थोगोनल से चालू करेंगे। तो अभी जो है कुछ टॉपिक्स वो हम यहाँ पे आपको चाहते हैं, आप इसको देखिए, एज ए क्वेश्चन भी पूछ सकता है, नहीं? या फिर आप इसको क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है ये कि कहता है कि मैट्रिक्स ए यहाँ पे कहता है कि अ मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज कॉल्ड इन्वोल्यूटरी। ये मैंने हमको एक तरह से डेफिनेशन बता रहा है कि ये हमारा ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वोल्यूटरी होता है। तो कहता है अब इसका क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन है कि सो दैट ए इज इन्वोल्यूटरी इफ एंड ओनली इफ
इफ एंड ओनली इफ आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए दिस इज इक्वल टू जीरो। इफ एंड ओनली इफ यानी कि अगर इतना हुआ तो ये जीरो नहीं है, मतलब ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इतना हुआ ठीक है तो इन्वोल्यूटरी होगा, अगर इन्वोल्यूटरी हुआ तो इतना होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पे, कि अगर हम इसको दिखाना चाहते हैं, शो करना है हमें, तो एक तरह का प्रूफ हुआ ये। तो मान लीजिए पहला फर्स्ट पार्ट अगर हम करेंगे क्वेश्चन का, इसका दो पार्ट है, इफ एंड ओनली इफ जैसे ही लग जाता है उसमें दो पार्ट हो जाता है। एक बार इन्वोल्यूटरी मानिए और जो दिया गया है उसको प्रूफ करिए, और एक बार इसी को मान लीजिए और इससे उस नतीजे पर पहुंचिए कि भैया ये इन्वोल्यूटरी है। तो दो पार्ट में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में अभी हम क्या कर लेते हैं कि मानते हैं कि लेट ए बी एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। हमारा ए क्या है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, मान लीजिए ऑर्डर एन, इन ऑर्डर का इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, बाद में आप अपना आराम से लिखिएगा। अभी समझिए कि यहाँ पर क्या है हमारा, ये एन क्रॉस एन ऑर्डर का एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है ए। तो देयरफॉर ठीक है, तो देयरफॉर बाय द डेफिनेशन हमें पता है कि भैया डेफिनेशन के हिसाब से अगर ए इन्वोल्यूटरी है तो ए स्क्वायर करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पहले से स्क्वायर एस में करिए, आर एस एस पहले से इसमें करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी ही आता है, नहीं ये कोई बहुत बड़ी बात हमने यहाँ पे नहीं बताई है। तो आप इसको लिख दीजिए आइडेंटिटी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जीरो। और जब हमने आपको पढ़ाया था ये क्या कहते हैं इंडेक्स ऑफ द मैट्रिसेस, यानी कि जो मैट्रिक्स का इंडेक्स होता था, नहीं वो जब हमने आपको बताया था तो वहाँ पे क्या हुआ था कि इसका फॉर्मूला बताया था हमने आपको। तो इसको लिख सकते हैं आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए, तोड़ सकते हैं ऐसा मैट्रिक्स में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर था, लेकिन इसका फॉर्मूला एज इट इज रह गया था, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए ए माइनस बी, ये हमारा मैट्रिक्स में भी रह गया था, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब भैया यहाँ पे क्या है कि मतलब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। तो हमने आपको कहा कि भैया अब यहाँ पे ये लॉजिक मत लगा दीजिएगा, कौन सा लॉजिक कि दिस इज इक्वल टू जीरो, इसको इसको अलग से जीरो कर दिया, इसको अलग से जीरो कर दिया और ए का मान निकाल दिया कि भैया ए का मान होगा आइडेंटिटी और ए का मान होगा माइनस आइडेंटिटी, नहीं। इसी के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला मतलब एक जो कंसेप्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, वहाँ पे हमने कहा था कि भैया ए इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आता है, कोई नल मैट्रिक्स नहीं, बात समझिए, यहाँ पे वो लॉजिक काम करेगा, यहाँ पे ऐसा रिजल्ट नहीं लाइएगा, नहीं तो ये हो जाएगा गलत, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा रिजल्ट नहीं लाना है, बात समझिए। तो यहाँ पर सिर्फ यही रिजल्ट आया, और जो कि हमको यही दिखाना भी था, यही रिजल्ट हमको यहाँ पे दिखाना भी था कि भैया ये हमारा इतना आएगा। तो फर्स्ट पार्ट इज कम्प्लीटेड, ये जो है आपका ये आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा सेकेंड पार्ट की, अगर इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ये लॉजिक समझिए कि यहाँ पे आप इसका आंसर ऐसा नहीं ला सकते हैं कि ए का मान आइडेंटिटी
और माइनस आइडेंटिटी ही होगा। ऐसे बहुत सारे मैट्रिसेज हैं जो इन्वोल्यूटरी होते हैं, पर वो ना ही आइडेंटिटी होते हैं ना ही माइनस आइडेंटिटी होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था बहुत सारे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में क्या करना है कि कन्वर्सली अब इसका प्रूफ करना है। तो मान लीजिए कि कन्वर्सली लेट ये इतना दिया हुआ है, ये मतलब है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, नहीं, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है आपका नल मैट्रिक्स है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है भैया, गुना कर दीजिए, आई इंटू आई करिएगा तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी स्क्वायर, फिर आई से गुना करिएगा तो प्लस आइडेंटिटी इंटू ए, यहाँ पे गुना करिएगा तो माइनस ए इंटू आइडेंटिटी और माइनस इंटू ए इंटू ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सभी मैट्रिक्स के साथ अगर गुना होगा तो वो फुलफिल करेगा। तो ए इंटू आई और आई इंटू ए दोनों केस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में आपको एक स्टेप, देखिए मैट्रिक्स है, नंबर्स नहीं है कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिख दिया और काट दिया, और इन दोनों केस में इसका वैल्यू ए ही होगा। मतलब आई इंटू ए करे या ए इंटू आई करे, दोनों केस में क्या होगा, वैल्यू ए ही होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई स्क्वायर प्लस ए माइनस ए और माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ए में से ए को घटाने पर, मतलब कैंसिल कहने का मतलब नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो अगर आप एकदम सही से बाई प्रोसेस चलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखिए नल ही मैट्रिक्स लिखिए, ठीक है। आई प्लस नल मैट्रिक्स, और यहाँ पर आप इसको इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नल मैट्रिक्स और इधर माइनस ए स्क्वायर था वो आरएचएस में गया तो प्लस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप तो यहाँ पर क्या है, नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड ऑन करेंगे तो वो तो सेम ही रह जाएगा, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और जैसे ही ये आया तो बाई द डेफिनेशन आपको पता है कि ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो देयर फोर ए इज एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो यही हमें आपको बताना था कि भैया ये है हमारा, इस तरह से हम इसका प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, चूंकि ये बाद में अवेलेबल है इसलिए टेंशन नहीं है स्क्रीनशॉट लेने का या कुछ भी करने का। अब यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बताए मुझे, ठीक है। कोई भी डाउट कुछ भी है, एक बार आप चाहें तो इसका जो लिंक है वो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जैसे लाइव चैट को कैंसिल करके आप इसको ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि भैया ये हमारा यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लिंक मिलता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए, मैंने ट्रेस ऑफ द मैट्रिसेस बता दिया था ना आप लोगों को, एनी डाउट कमेंट करिए फटाफट से, वीडियो को लाइक भी कर ही दीजिए। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स हमने बता दिया था, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स मैंने बता दिया था, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं बताया था, याद करिए, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स को ही हम लोग ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कहते थे, ठीक है। तो हम अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अच्छा नहीं बताया था तो चलिए कोई नहीं, बता देते हैं फिर से, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स किसको कहते हैं। सबसे पहली बात, मुझे जहाँ तक लग रहा था कि हमने बता दिया था, पर कोई नहीं,
जनता जनार्दन जो करवाए सब जायज है। तो इसका डेफिनेशन है कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं, तो ट्रेस ऑफ, एंड इट इज डिनोटेड बाय ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और अगर यहां पे हमने आपको बताया भी था कि भैया a इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, यानी कि ये n क्रॉस n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस केस में ट्रेस ऑफ a क्या होगा। ठीक है, तो देन ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इसका सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, a22, a33, ऐसा होता है ना, और ये कहाँ तक जाएगा, ए एन एन तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, ए एन एन तक। तो क्योंकि हमने एन क्रॉस एन लिया है, तो देयर फोर अगर हम फाइनली लिखना चाहें तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा, और हम यहाँ पे लिख देते हैं ए आई आई, आई इज इक्वल टू 1 2 शॉर्ट फॉर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया था आपको, एग्जाम्पल में मैंने कोई मैट्रिक्स लिया होगा उसका बताया था। ठीक है, तो और इसके प्रॉपर्टीज भी बताए थे, लेकिन यही है कि आप लोग पढ़ने के बाद उसको लिखते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 6 1 0 2 3 1 -1 या -1 1 -1 कुछ भी लिख दिया। तो देयर फोर ट्रेस ऑफ ए, अगर किसी ने कहा कि भैया ट्रेस ऑफ ए क्या है, व्हाट इज ट्रेस ऑफ, तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 + 0 + -1 दिस इज इक्वल टू फाइनल आंसर। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और हमने इसके प्रॉपर्टीज पे भी डिस्कस किया था कि भैया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस क्या होगा, अगर हम इसका प्रॉपर्टीज लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज में आप देख लीजिए, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है इन सब का प्रूफ लिखना, या तो एक एक लाइन का प्रूफ है। अब यहाँ पे हमने कहा कि लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस, टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एन क्रॉस एन ऑर्डर का है, हम एन भी लिख सकते हैं जब हमने स्क्वायर कर दिया, एंड लैम्डा बी एनी स्केलर, कोई भी नंबर है ये लैम्डा बी एनी स्केलर, देन अब प्रॉपर्टी नंबर वन कहिए, नंबर वन दे दीजिए जो आपको ठीक लगे, कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, तो अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर टू जो है वो है कि अगर यहाँ पे है ट्रेस ऑफ ए इंटू बी, नहीं तो ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। देखिए ये यहाँ पे इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ए और बी दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए यहाँ पे ए भी पॉसिबल है
एबी भी पॉसिबल है और बीए भी पॉसिबल है, ठीक ना। तो उस हिसाब से ये हमारा क्या हो गया कि एबी का जो ट्रेस होगा वो बीए का ट्रेस होगा, और मैंने ये भी बताया था कि ट्रेस ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, ये जरूरी नहीं है कि ये सही ही होगा, ठीक ना। तो ये हमने आपको बताया था कि भैया ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थ्री था ये ट्रेस ऑफ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा इंटू ए, तो आप लैम्डा को बाहर कर दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा ट्रेस ऑफ। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि भैया आप लैम्डा से गुना करिएगा, प्रत्येक एलिमेंट में गुना होगा तो उसके डायगनल एलिमेंट में भी तो गुना होगा, तो लैम्डा सब में से कॉमन भी तो निकल जाएगा। ये आपको खुद से करना है, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो आप यहाँ तक में मुझे टोक सकते हैं, हम आपको यहाँ पे नोट करके एक बात बता देते हैं। कोई डाउट है क्या? कमेंट करिए जरा, पता तो चले जगे हुए हैं कि सो गए। एनी डाउट? और आवाज़ क्लियर जा रही है ना? आवाज़ में कोई समस्या है क्या? तो यहाँ पर है क्या आपका, जो हम आपको बताए थे, नोट करके बताया था कि भैया ट्रेस ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी इन जनरल, यानी सामान्यतः ये बात सही नहीं होती है, नहीं इन जनरल ये बात सही नहीं। अब कोई पार्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए ये सही हो जाए तो आप मत दावा ठोक दीजिएगा कि भैया ये तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। इन जनरल ऐसा नहीं होता है सामान्यतः, तो ये आपको मैंने बोला था, ये आपको ट्रेस ये बताया हुआ था, समझे कि नहीं। आप लोगों ने दोबारा मेहनत कराया है मुझे, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये जो है हमारा हो गया ट्रेस का। अब आप चाहें तो इन सब का प्रूफ कर सकते हैं, एक एक लाइन का प्रूफ है। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिएगा, उसमें लेके आप अपना करिएगा, वो आ जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है अभी। आज फिर जो भी हम बताने वाले, जब बता ही रहे हैं तो एक तरफ से हम आपको बताते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। हम शॉर्टकट में ही बताएंगे तो, क्योंकि इन सब का अब जरूरत पड़ने वाला है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हमें ये पहले से पता है, पर थोड़ा सा हम ब्रीफली ही देखते हैं इसको, क्योंकि इसके बाद वाला जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आप जानते हैं किसको कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, तो चलिए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एम, नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने ये नहीं कहा है कि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी एनी मैट्रिक्स, बी एनी मैट्रिक्स
एनी मैट्रिक्स, हाँ, देन ए मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग रोज विथ कॉलम्स। इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग कहने का मतलब हुआ कि पहला रो पहले कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया, दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया, तीसरा रो तीसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया। ऐसा नहीं कि पहले रो को तीसरे कॉलम में लिख दीजिए, ऐसा अलाउड नहीं है आपको। तब हम कहते हैं कि इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय आप ए के पावर में कैपिटल टी लिख दीजिए, ए के पावर में स्मॉल टी लिख दीजिए या ए डैश दे दीजिए। ये तीन सिंबल सबसे फेमस है, ठीक है। राइटर टू राइटर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पर ए डैश, ए टू दी पावर टी या स्मॉल टी, ये बहुत फेमस है, ये चलता है, बहुत सारे लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का डेफिनेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली समझते हैं। मैथमेटिकली कैसे समझते हैं कि जैसे इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, बी एनी मैट्रिक्स, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन बी एनी मैट्रिक्स, तो दिस इंप्लाइज दैट ए ट्रांसपोज क्या होगा, बोलिए। तो ए आई जे आपने क्या किया, इसके पोजीशन को कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज कर दिया, यानी कि जो आई था वो अब जे हो गया और जो जे था वो आई हो गया, तो इसका ऑर्डर भी तो बदल जाएगा। इस बात को थोड़ा सा समझिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं, एक ऐसा मैट्रिक्स लीजिए जिसमें स्क्वायर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4 6 7, ऐसा हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, यानी कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 2 और कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है। तो जब आपको कहा गया कि भैया इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो आपने कहा कि पहले रो को पहले कॉलम में लिख देना है या फिर पहले कॉलम को पहले रो में लिख देना है। जैसे अगर आप रो को कॉलम में लिखने वाले हैं तो आप पहला रो है 1 2 3 और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख देना है 4 6 7। अब बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस डायगनल। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर इस मैट्रिक्स में A11, यहाँ पे A11 अगर 1 था, नहीं यहाँ पे A11 1 था और A12 आपका 2 था, तो यहाँ पर देखिए A11 1 है, क्योंकि इसका आई और जे अगर हम इंटरचेंज भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने जगह पे ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ का जो 2 है वो कहाँ आ गया, वो A21 पे आ गया, वो A21 पे आ गया, A21 इज इक्वल टू 2 हो गया। थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं इसको डिटेल में, तो आपको समझ में आ गया ना कि ये आई जे बिकम्स जे आई एंड ऑर्डर एम क्रॉस एन बिकम्स एन क्रॉस एम, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया, सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का,
और अभी हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो आप बताइए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज में क्या होगा, ये हो जाएगा बी वन वन, बी वन टू, बी वन थ्री। अगर आप पहले कॉलम को पहले रो में लिखिएगा तो यहाँ पर बी वन वन, फिर लिखना पड़ेगा बी टू वन, फिर लिखना पड़ेगा बी थ्री वन, फिर दूसरे कॉलम को दूसरे रो में लिखिएगा तो बी टू वन, बी टू टू, बी थ्री टू, फिर तीसरे कॉलम को तीसरे रो में लिख रहे हैं आप, जिसको पहले रो को कॉलम में लिखिए, कॉलम को रो में लिखे, फाइनली तो वो अपना चेंज हो ही रहा है, ठीक ना। तो बी थ्री, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा ताकि स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए, ठीक है, जो वन टू की जगह पे था वो टू वन की जगह पे चला गया, है कि नहीं, डायगनल अपने जगह पे फिक्स रह गया, जो वन थ्री की जगह पे था वो थ्री वन की जगह पे चला गया, देख रहे हैं, जो टू थ्री की जगह पे था वो थ्री टू की जगह पे चला गया। ये जरूरी है क्योंकि अभी हम जस्ट सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे जो हम पहले से जानते हैं, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। देखिए पढ़ना उससे ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा ब्रीफ में इसको, मैंने बोला ये ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको बुक में जाना है, सब कुछ पढ़ना है, जहाँ कोई डाउट हो वहाँ पर बताइए मुझे, मैं वो आपको करके बताऊँगा कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है लैंग्वेज तब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि ये सब क्या है, बी टू थ्री, बी थ्री टू, ये सब हमारा कैसे इंटरचेंज हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ट्रांसपोज का कंसेप्ट हो गया। अब क्या है कि प्रॉपर्टीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रूफ करने के लिए भी पूछ देगा, ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। जब तक वो आठ नंबर लायक कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा तो वो आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर है कि इफ ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर के हैं, स्क्वायर हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, सेम ऑर्डर के, ठीक है, एंड लैम्डा बी एनी स्क्वायर, आपका प्रॉपर्टी नंबर वन क्या कहता है वो जरा समझिए, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर वन क्या कहता है, वो कहता है कि भैया सबसे पहली बात कि कोई एक मैट्रिक्स है, अगर आपने उसका दो बार ट्रांसपोज कर दिया तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा, बात समझ रहे हैं, कि अगर कोई मैट्रिक्स है अगर आपने उसका दो बार ट्रांसपोज कर दिया तो वही मैट्रिक्स आएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम सबका चाहेंगे एक एक लाइन का प्रूफ भी करके देख लेंगे। अब यहाँ पे है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं, यानी कि आपका दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसीलिए आप जोड़ सकते हैं इनको, और फिर उसके बाद अगर ऑर्डर सेम है तो जोड़ सकते हैं, तो आप जोड़ लीजिए फिर ट्रांसपोज करिए, या फिर पहले ट्रांसपोज कर लीजिए फिर जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सेम चीज़ माइनस वाले के साथ भी हो सकता है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि लैम्डा जो है वो आपका कोई स्केलर, तो लैम्डा इंटू ए, और इसका किया हमने ट्रांसपोज, लैम्डा एक नंबर है, ये हो गया बाहर, और हम पहले ट्रांसपोज कर लेंगे फिर लैम्डा से गुना करेंगे। लैम्डा स्केलर है, किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से गुना करना होता है तो हम उसके सारे एलिमेंट में गुना करते हैं, ठीक है। बट और ये सब हमने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है, ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब हमने ट्वेल्थ में पढ़ा है, बेशक हम लोग वहाँ पे इसका प्रूफ नहीं करते थे पर मैं तो करा देता हूँ क्लास में, क्योंकि ये छोटा छोटा प्रूफ ट्वेल्थ के हिसाब से देखिए तो ये एक तरह का क्वेश्चन ही। ये जो है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ हमें देखना चाहिए क्योंकि ये पूछता है, ये पूछेगा आपको 8.5 नंबर के एग्जाम में। तो ये इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्यों बोला हमने, क्योंकि देख रहे हैं ना इसका ऑर्डर बदल गया, ठीक है, तो रिवर्सल लॉ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पूछता है, ठीक है, अगर आप देखें, अगर मतलब जरूरी नहीं कि जो पूछे हम उसी पर ज़्यादा फोकस करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सब देखेंगे लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पर स्टार मार्क लगा दिया। तो अभी हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ हैं, हम चारों का प्रूफ देख लेंगे, कोई बहुत भारी बात नहीं है इसका प्रूफ देखना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए जैसे कि अब यहाँ पे अगर आप पहला का प्रूफ देखना चाहते हैं, ठीक, हमें मेन इंटरेस्ट चौथे पे है, ठीक है, तो अगर आप पहला का प्रूफ देखना चाहते हैं तो मान लीजिए कि लेट ए इज इक्वल टू, आप पूरा वही जैसे हम लैंग्वेज में लिखवाते थे वैसे ही आप लिखिएगा कि ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस, तो देयर फोर ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा ए जे आई ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस, और अगर आपने इसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया तब तो ये फिर क्या हो जाएगा, इसका इसका जो रो और कॉलम का पोजीशन है वो बदल जाएगा, तो ये फिर से ए आई जे हो जाएगा, और ऑर्डर का पोजीशन बदल देंगे तो ये एम क्रॉस एन हो जाएगा क्योंकि एन क्रॉस एम है, और यहाँ पर ये इसी मैट्रिक्स को हमने ए कहा है ना, तो इसीलिए ये हमारा फाइनली यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप जो यहाँ पे करेंगे एन क्रॉस एम, तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर आप इसका एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा ए, आपस में इंटरचेंज होके ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस, और हमने इसी को ए कहा था, तो फाइनली ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आप इसी को थोड़ा सा लंबा करिए, आई जे एथ एलिमेंट ऑफ दिस, जे आई एथ एलिमेंट ऑफ दिस, और फिर उसके बाद प्रूफ करो, ठीक है। लैंग्वेज इशू नहीं है, बात समझने वाली, हाँ जहाँ पे ज़रूरत है हम वहाँ पे आपको करके बताएंगे। तो दूसरा नंबर जो प्रॉपर्टी है उसमें प्रूफ करना है, तो मान लीजिए कि लेट ए इज इक्वल टू, दोनों का ऑर्डर सेम लेना पड़ेगा, तो ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे ऑफ ऑर्डर सेम क्रॉस एम क्रॉस, दोनों का हमने ऑर्डर सेम ले लिया। तो अब उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भैया हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो देयर फोर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हमें यही प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का, आप डैश भी लिखिए, बहुत सारे लोग डैश लिखते हैं, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है, हम ज़्यादातर टी ही लिखते हैं, अपना अपना है। तो अगर यहाँ पे आप अगर एल एच एस लेते हैं तो आपका एल एच एस क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है, तो आपको ए आई जे दिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर सेम है, यहाँ पे बी आई जे है, इसका भी ऑर्डर सेम है, फाइनली इसको ऐड करने के बाद आपको इसका करना है ट्रांसपोज, तो अगर आपने इसको जोड़ दिया तो ये फाइनली अंदर क्या हो जाएगा, ए आई जे और बी आई जे आपने लिख दिया, और इसका करना है ट्रांसपोज, ऑर्डर सेम है इसलिए ये एम क्रॉस एन ऑर्डर का ही रहेगा। जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये ट्रांसपोज इस पे अप्लाई होगा ना, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर तो बदल ही जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन क्रॉस, और ये जो ट्रांसपोज है ए आई जे और बी आई जे के ऊपर लगेगा, और जो हमारा ट्रांसपोज क्या करता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए जे आई और प्लस बी जे आई, ट्रांसपोज जब एप्लीकेबल होगा तो दोनों में बदल जाएगा ना, तो ये एन क्रॉस एम ऑर्डर, ठीक है। अगर आर एच एस मेरा इतना ही आ जाता है तो इसका मतलब है कि मेरा जो ये प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो गया, ठीक ना। तो हमने क्या किया, आर एच एस को ले लिया, अब आर एच एस में क्या है, पहले ट्रांसपोज करना है फिर ऐड करना है, यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले ऐड किया है और फिर ट्रांसपोज निकाला है, तो ए अगर दिया हुआ है तो आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस, और इसका ट्रांसपोज निकालिए, फिर बी दिया हुआ है बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, और इसका ट्रांसपोज निकालिए, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ए जे आई, और यहाँ पे ऑर्डर बदल के हो जाएगा एन क्रॉस एम, और यहाँ पे हो जाएगा बी जे आई ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो ये आया, अगर आप इसको अब ऐड करेंगे, दोनों का ऑर्डर है सेम, ऑर्डर सेम होता है तभी कोई मैट्रिक्स ऐड होता है, सिंपली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाता है, तो ए जे आई प्लस बी जे आई ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन क्रॉस। तो अब आप बताइए कि जो आपका यहाँ पे एल एच एस आया था क्या वही यहाँ पे भी आया है क्या, ए जे आई प्लस बी जे आई ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, और यहाँ पे भी वही आया, तो इस हिसाब से आपका एल एच एस बराबर आर एच एस
हो गया तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इन सब क्वेश्चन में मजा नहीं है, ठीक ना। ये सब आपको आप खुद से कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन कोई बहुत इशू नहीं है। तो ठीक उसी तरह से जो थर्ड नंबर है प्रॉपर्टी, वो हम आप पे छोड़ते हैं, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। क्योंकि भैया आपको करना क्या है, आपको करना है लैम्डा से गुना, फिर उसके बाद ट्रांसपोज। पहले में ट्रांसपोज से गुना कर दो, फिर लैम्डा से गुना कर दो, दो लाइन का प्रूफ है। हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वो फोर्थ में है, और ये इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा तो आपको मिलेगा वहां से, तो आप देखिए उसमें उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। जो सेटर्स होते हैं उनका एकदम फेवरेट क्वेश्चन होता है कि भैया इसको प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, और बाकी हम कैसे किसी चीज को लंबा कर सकते हैं, ये चीज तो आपको ग्रेजुएशन में समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गुना करना है, तो आप मान लीजिए कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, ठीक है, और बी इज इक्वल टू बी आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस बी, क्योंकि गुना करने के लिए इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देयर फोर अगर किसी ने पूछा आपसे कि ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये हो जाएगा ए जे आई ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एम हो जाएगा, और किसी ने पूछा आपसे कि बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो इट बिकम्स, और यहाँ पे जो हमने लिया है आई जे ना लेके जे के ले लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो मैच करेगा इसके अकॉर्डिंग, तो बी जे के, तो ये हो जाएगा बी के जे ऑफ ऑर्डर पी क्रॉस। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए इंटू बी निकालना है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो नाउ हम सबसे पहले अगर निकालते हैं, तो इसको हमने कहा a इंटू बी निकाला, a इंटू बी निकाला। आपको हमने मल्टीप्लीकेशन बहुत सारे वेराइटी से सिखाया है, ठीक है, और ये है हमारा बी जे। फाइनली आपको पता ही है ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस p हो जाएगा, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें वो हो जाएगा सिग्मा ए आई जे बी जे के जे इज इक्वल टू 1 to n, और फाइनल मैट्रिक्स इज m क्रॉस p ऑर्डर। ये फाइनल मैट्रिक्स जो है हमारा वो m क्रॉस p ऑर्डर का हो जाएगा। आवाज़ आ रही है सबको, कोई दिक्कत है, कुछ भी है तो बता सकते हैं आप मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट आते रहता है तो पता चलता है कि लोग हैं कॉन्शस। तो ये देखिए, ये हमारा ए बी हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे करिए इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने पर आप सपोज करिए कि जैसे ये फाइनली जो मैट्रिक्स है ये m क्रॉस p ऑर्डर का है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे मान सकते हैं कि भैया मान लिया लेट सिग्मा, यानी कि ये जो जोड़ है हमारा ए आई जे और बी जे के, जे इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू सी आई के। हमने इसको क्या मान लिया, सी आई के मान। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देयर फोर ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर फाइनल मैट्रिक्स आया, आप इसको सिंपली लिख सकते हैं सी आई के ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस। अब किसी ने बोला कि आप इसका ट्रांसपोज करिए, तो ए बी का ट्रांसपोज करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो कॉलम में, कॉलम रो में बदलेगा, ऑर्डर भी चेंज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा सी के आई, ठीक है, सी के आई ऑफ ऑर्डर पी क्रॉस। अब बताइए जरा यहाँ पे, यानी कि अगर आप यहाँ पे आप आई की जगह पे के और के की जगह पे आई रखेंगे नहीं, तो आपको क्या मिलेगा, सिग्मा तो सिग्मा ही रहेगा, सिग्मा में आपका जे इज इक्वल टू 1 to n रहेगा। बस आपको करना क्या है, देखिए हाँ वही फंक्शन का कंसेप्ट है, आई के था तो ऐसा था, अगर के आई हो गया यानी कि के की जगह पे आई आ गया, आई की जगह पे के आ गया, तो ये क्या हो जाएगा ए k
के जे और बी जे आई, यही आया ना। और इसका ऑर्डर तो हमारा पी क्रॉस एन था, यानी कि ये हमारा हो गया। हमने इसको सी आई के माना, तो सी के आई का क्या मतलब हुआ, ए के जे और बी के। अब आप इसको अगर आप मैंने याद है तो ठीक है, ये आपका एल एच एस है, दिस वन इज योर एल एच एस, ठीक है, ये आपका एल एच एस है। अब आर एच एस क्या कहता है उसको जरा आप देख लीजिए, आर एच एस क्या कहता है। आर एच एस में कहता है कि भैया आपको क्या करना है, बी ट्रांसपोज पहले लेना है और फिर उसके बाद उसमें ए ट्रांसपोज को गुना करना है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ गया तो हमारा थ्योरम हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, बी ट्रांसपोज लिख दिया। बी ट्रांसपोज क्या है हमारा, तो बी जे के था, बी जे के था, तो ये हो गया बी के जे। देखिए आप, आपको अगर याद नहीं है कि हमने किसको क्या माना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बी जे के है, तो जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के जे। अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ पे लिख ही लीजिए, फिर बी लिखिए फिर उसका ट्रांसपोज करिए, ठीक है। बी आपका, बी का ट्रांसपोज कहता है ना, तो बी था आपका जे के ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस बी, और हम कर रहे हैं इसका ट्रांसपोज। फिर यहाँ पे ए क्या था, ए आई जे था, और इसका ऑर्डर था एम क्रॉस एन, और हम इसका कर रहे हैं ट्रांसपोज। एक एक लाइन बढ़ गया, एक स्टेप बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा बी के जे, और यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा पी क्रॉस एन, और यहाँ पे ए आई जे हो जाएगा ए जे आई, और इसका ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस एन, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पर पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है पी क्रॉस एन, दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन क्रॉस एन, क्या ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है, क्योंकि पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर है, और फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी क्रॉस एन, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब गुना में कंफ्यूज नहीं होना है। गुना में क्या होता था कि भैया जो बीच वाला है यही सिग्मा पे लगता था, तो सिग्मा जे इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो जे का मान यही है एन तक, तो वन से लेके एन तक, और बी के जे और यहाँ पे ए जे आई, ऐसे ही लगेगा। अब बताइए, और यहाँ पे फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, तो ऑर्डर हो गया एन क्रॉस। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप मुझे। तो ये हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, पी क्रॉस एम हो गया ना, एन क्रॉस एम लिख रहे हैं, पी क्रॉस एम हो गया, फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर पी क्रॉस एम। अब बताइए कि यहाँ पे बी के जे और ए जे आई आया, यहाँ पे जो हमारा आया तो ये हमारा, आप इसको क्या मान सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या निकाला था, एबी का ट्रांसपोज। एबी का ट्रांसपोज यानी कि सी आई के जो है इसका ट्रांसपोज आया, यानी कि ए आई जे और बी जे के का ट्रांसपोज आया। तो ठीक है, यहाँ पे जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, एक्चुअली जब हम यहाँ पे इसका, दिस इम्प्लाइज दैट सी आई के का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं यहाँ पे, तो ट्रांसपोज में क्या होता है, ऑर्डर हो जाता है, बदल जाता है। ये जो ऊपर वाला जो हमने किया था, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो बदल जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 to n, और ए हो जाएगा जे आई, ये बदलेगा, और बी हो जाएगा के जे, ऑर्डर बदलता है ना, हमने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका फाइनली जो ये जो आपका आया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रांसपोज में